ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों का संडे स्पेशल में स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है गांव भाना की बेटी सोनिया, जिनका जीवन पढ़ने वाले बच्चों के लिए रोल मॉडल है। अगर आप सोनिया की पूरी वीडियो देखोगे तो आप भी इन पर गर्व करोगे। यह गांव भाना के साधारण और छोटे से परिवार की बेटी सोनिया, जिसके सपने छोटे नहीं बहुत बड़े हैं। छोटी सी उम्र में ही पिता का साया सर से उठ जाने के बाद इनकी माँ ने इन दोनों भाई बहनों को जिन तकलीफों के साथ पाला है, इसके इरादे और संघर्ष ने इसकी माँ की तकलीफों को बहुत हद तक कम कर दिया है। इस बच्ची के जीवन की पूरी कहानी सुनोगे तो जितना गर्व इसकी माँ इस बेटी पर करती है, उससे भी ज़्यादा गर्व आप करेंगे इस गुड़िया पर। मेरे पापा जब मैं तीन चार साल की तभी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद फैमिली कोई इतनी खास ज़मीन नहीं है कि हम ज़मीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि हाँ वहाँ से फैमिली का गुजारा हो जाएगा, ऐसा कोई इनकम का सोर्स नहीं था। हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े शहरों के ही बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर या साइंटिस्ट बन सकते हैं। छोटे छोटे गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे ही एक हमारी बड़ी बहन है सोनिया ढुल, गाँव भाना से हैं। आइए सोनिया से जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है, जिनका IIT मद्रास MSc केमिस्ट्री में एडमिशन हुआ है। मायसेल्फ सोनिया, आई एम फ्रॉम भाना, एंड मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं कंप्यूटेशनल रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने, अगर मैं मेरी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में आपको बताऊँ, तो मैंने मिड 12th 10th तक की जो मेरी स्कूलिंग है वो मैंने अपने गाँव भाना से की है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ का मेरा जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छा रहा है। उसके बावजूद बाद मैंने 11th में एडमिशन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाई में लिया, और वो मैंने 11th और 12th वहीं से कंप्लीट की। और मेरा जो रिसर्च में जो साइंस में इंटरेस्ट है वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। वहाँ के जो टीचर्स है वो साइंस को लेकर उनमें अलग ही तरह के एफर्ट्स डालते हैं, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए RKSG कॉलेज कैथल में एडमिशन लिया, और वहीं से 3 साल मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वहाँ से मुझे जैम के बारे में, मेरा इंटरेस्ट जो है केमिस्ट्री में था, बट मुझे IIT जैम के बारे में या IITs के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। वहाँ पे हमारे टीचर थे प्रोफेसर संजय गर्ग, उन्होंने मुझे IIT जैम के बारे में बताया। वहीं से मैंने अगस्त में मैंने अपनी जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अगस्त में मैंने जैम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा फोर्टीन फेब को मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। लेकिन टाइम कम होने के लिए प्रिपरेशन के लिए मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल लो जा चुका था मेरा, तो मैंने एक बार ये भी सोच लिया था कि चलो मैं इस साल ड्रॉप कर देती हूँ और नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करूँगी। बट जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 358 थी, जो कि एक अच्छी रैंक थी जिस टाइम में मैंने प्रिपेयर किया था। तो उसके बाद मैंने हमारी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हुई, और काउंसलिंग में फर्स्ट काउंसलिंग में ही मेरे इंडिया की जो टॉप 7 IITs में से एक में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद पहली लिस्ट में मेरा IIT गुवाहाटी में एडमिशन हुआ। फिर जब सेकंड लिस्ट के लिए मैंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, तो मेरा इंडिया की टॉप IIT यानी कि IIT मद्रास में मेरा सिलेक्शन हुआ। और फिर अब वहाँ से मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो परस्यू कर रही हूँ, और मेरा यही है कि अभी मैं रिसर्च में जाऊँगी। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में मेरा पैशन है, और चाहती हूँ कि मैं आगे इसमें कुछ अच्छा करके दिखाऊँ, और इसलिए अभी मैं रिसर्च के लिए PhD कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में करूँगी, और इसके लिए मैं एफर्ट जो लगातार लगा रही हूँ और मैं अपना बेस्ट इसके अंदर दूँगी। थैंक। मैंने एफर्ट्स हमेशा से किए, मैंने जितना हो सका अपना फोकस किया और हमेशा अपने 100% अपना हर काम के लिए दिया। बट जहाँ से मेरा इंटरेस्ट कब से साइंस में स्टार्ट हुआ, वो हुआ मेरा 11th क्लास में हमारे केमिस्ट्री टीचर थे मिस्टर धर्म सिंह चहल, वो मेरा हमेशा से रोल मॉडल रहे हैं। उनसे ज़्यादा टाइम तक मैं उनसे नहीं पढ़ी, लेकिन सिर्फ 2 या 3 महीने मैं उनसे पढ़ी थी, लेकिन वहीं से मेरे अंदर जो साइंस के लिए जुनून था वो स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद हमारे लिए केमिस्ट्री के न्यू टीचर आए स्कूल में, वो थे मिस्टर संजीव कुमार, वो भी एक बहुत अच्छे मेहनती टीचर हैं, और उन जो एफर्ट्स उन्हें हमारे लिए लगाए हैं, मैंने सोच लिया था कि हाँ अगर सर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ उनको रिटर्न में दूंगी। वहीं से मैंने अपना केमिस्ट्री में रुझान लेना स्टार्ट कर दिया, और जो अपना एम बना लिया था कि हाँ मुझे लाइफ में जाके कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में ही करना है। तो जो मेरा स्कूलिंग लेवल पर जो दो टीचर हैं,
धर्म सिंह सर और संजीव सर, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जो उन्होंने मेरे लिए किया और जो कुछ करने के लिए उन्होंने मेरे को राह दिखाई और आज मैं उसी राह पर चल रही हूँ। उसके बाद मैं अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन की बात करूँ, वहाँ से आते हैं हमारे मैथ्स टीचर मिस्टर संजय गर्ग, वो मेरे लाइफ का एक रोल मॉडल रहे हैं जिन्होंने मेरे हर स्टेप में मेरी हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प हो, वैसे बुक्स परचेज करने की हेल्प हो, कोई भी, उन्होंने हर एक मोड पर मुझे मोटिवेट किया और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने के लिए राह दिखाई। और अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो उसका सारा क्रेडिट मैं अपने संजय गर्ग सर को देना चाहूँगी। वो मैथ्स के टीचर मैथ्स के टीचर होने के बावजूद उनको मेरे को केमिस्ट्री में MSc करने के लिए उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्हें मेरी हेल्प की। अब आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपके पापा क्या काम करते हैं, आपकी फैमिली में इनकम का क्या साधन है? मैं जब 3-4 साल की थी तब मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे और हमारे यहाँ पर ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ आधा किला ज़मीन था हमारे पास और एक घर पे करियाना स्टोर था। तो पापा की डेथ के बाद मामा जी हमारे पास आ गए थे, जिससे हमारा और वही दुकान, हमारा जो शॉप है वहीं पर रहते थे और वही इकलौता हमारा इनकम का सोर्स था। तो वहीं से हमारे सभी जो खर्चे थे वहीं से चलते थे, तो हमेशा से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक ही रही है, लेकिन मामा और मम्मी जी की हेल्प से उन्होंने कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए ऐसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने के, मतलब डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा हमें, चाहे हमारे पास उनको कितनी भी तकलीफें हुई, उन्होंने हमारे पढ़ाई के लिए हमेशा पैसे जुटाए, हमारे बुक्स के लिए पैसे जुटाए और जो भी अदर नीड थी उनको हमेशा पूरा किया है। आपके जीवन का सपना क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? मेरा हमेशा से यही सपना रहा है, अगर मेरी माँ मामा ने मेरे पापा ने अगर मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं उनको प्राउड फील करवाऊँ, उनके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे गर्व से उनका सर ऊँचा हो जाए। मैं रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, फिलहाल जहाँ से मैं IIT मद्रास से MSc केमिस्ट्री कर रही हूँ वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो चुका है कॉम्पिटिशन केमिस्ट्री, और मैं चाहती हूँ उसी को मैं आगे परस्यू करूँ और इसी में PhD करूँ, जिससे कि मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट बनूँगी और मैं चाहती हूँ वहाँ से अपने लिए, अपने देश का नाम, अपने देश के लिए कुछ करूँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ। और यही चाहती हूँ, अब मैं जितना हो सकेगा मैं अपना एफर्ट्स लगाऊँगी और केमिस्ट्री के फील्ड में अपने देश का नाम रोशन करूँगी। माता जी, क्या आपने सोचा था कि आपकी बेटी का इतने बड़े इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो पाएगा? देखो जी, मैंने तो क्या ही का पता नहीं था, मैं तो अनपढ़ थी और मेरी छोटी सी बेटी थी जब इसके पिताजी गुजर गए थे, और मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ भी चीज़ की कमी नहीं रखी है, और मेरी बेटी ने पढ़ कर दिखाया और सब कुछ कर दिया। और देखो, मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी को पढ़ लिख के कुछ बड़ी बन जाए। ना तो जी, मेरा बेटी को पढ़ाने को उसमें प्राइवेट में भी था, मैंने सरकारी में पढ़ाई है, और यूँ कोई नहीं थी भी, मैंने उम्मीद नहीं थी, मैं तो एक एक करके मैंने अपना पढ़ा ली, जिस गरीब थी मैं, और मेरी बेटी नहीं, मैं तो नहीं कहूँ सबके अच्छे बच्चे ऐसे पढ़ो और अपने माँ बापा का सपना पूरा करो।